हेलो गाइस, दिस इज जगराज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो अज असी गल करांगे बारिश के मौसम के बारे में। जिवें असी पहला गल की गर्मियों के मौसम बारे में, हुण असी गल करांगे बारिश बारे कि जिवें बारिश आउंदी है तो उहदे बारे असी किवें गल करनी हुंदी है। इंग्लिश विच मीन्स पंजाबी विच आपां हर कुछ दस लैंदे हां, हर कोई गल आपां बड़ी वधिया तरीके नाल दस लैंदे हां, लेकिन जदों इंग्लिश लैंग्वेज की गल आउंदी है तो फिर सानूं थोड़ी जी परेशानी आ जाती है, या फिर नॉर्मल गल्लां तां आपां कर लैंदे हां लेकिन जदों तरीका दसना होंदा कि बारिश इवें दी हो रही है इवें दी हो रही है तो उस करके सानूं थोड़ी जी तंगी आ जाती है। तो तुसीं बड़े ही आसानी नाल ये दस सकदे जे। तो चलो असीं स्टार्ट करते हैं, लैट्स बिगिन। सो गाइज़, एक्चुअली विच जो असीं मौसम की गल करते हैं तो जो मौसम की गल स्टार्ट होती है तो आप बोलते हैं इट इज़, मीनस चाहे गर्मी की गल करनी हो चाहे बारिश की गल करनी है तो आप पहले लगाना है इट इज़। तो बाद में देखना है कि हुण मौसम है किवें दा है। जिवें बारिश हो रही है तो आप कह दें इट इज़ रेनिंग, की बोल दें आप इट इज़ रेनिंग, लेकिन ये तो आप कह दें कि बारिश हो रही है तो मीन्स आप कहता इट इज़ रेनिंग, लेकिन तुसी कहना हो कि बारिश ज़्यादा हो रही है मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो आप कह दें इट इज़ हैवी रेनिंग, की कह दें आप इट इज़ हैवी रेनिंग। तो तुसी इनू की करना है बोल के देखना है, मीन्स अगर नॉर्मली दसना है कि बारिश हो रही है तो तुसी कह देना है इट इज़ रेनिंग, लेकिन तुसी दसना है कि बारिश ज़्यादा हो रही है तो तुसी कह देंगे जी इट इज़ हैवी रेनिंग। लेकिन कई बार की होंदा है कि बारिश स्टार्ट हुई होंदी है लेकिन बारिश बड़ी घट आ रही होंदी है, जिन्हों आप कह दें कड़ियाँ आ रही ने, मतलब किणमिण 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 हो रही है, कोई ज़्यादा बारिश नहीं आ रही। तो इसमें असी कहना हो आप कहने इट इज़ ड्रिजलिंग। तो तुसी देखिए की कर रहा मैं बस की करता जा रहा, सिचुएशन चेंज करता जा रहा, इट इज़ उवें ही लगाया हुआ है, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ हैवी रेनिंग, इट इज़ ड्रिजलिंग। तो ड्रिजलिंग होंदा है जो तुसी कहना हो कि बूंदाबांदी हो रही है, किणमिण किणमिण हो रही है, तो तुसी कह देंगे जी इट इज़ ड्रिजलिंग। लेकिन कई बार की होंदा है कि तुसी देखा होगा बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होंगी है, मीनस तुसी अपने घर के अंदर बैठे होंगे जी, लेकिन बाहर घर के बारिश हो रही होंगी है लेकिन उतों आवाज़ आ रही होंगी है अंदर तक, जिन्हों आप कह दें बुलबुलियाँ वाला मीह, मीन्स बहुत ज़्यादा मीह पै रहा है तो इवें दी बारिश आ रही है कि अंदर तक आवाज़ा आ रही ने बारिश दियाँ, तो तुसी कह दें जे इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो हाँ जी बिल्कुल इदा ही बोलना है जिवें तुसी बोल दें जे, मीन्स कि बारिश हो रही है तो पानी में इवें लग रहा है जिवें जो बिल्लियाँ कुत्ते होंगे ने वो छाला मारन दे ने, तो मीन्स उन्हां दी आवाज़ आ रही है तो इदा दी बारिश हो रही है, तो तुसी कहते जे इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। असी कह दें बुलबुलियाँ वाला मीह पैन रहा है, बहुत ज़्यादा मीह पैन रहा है, तो जो अंग्रेज़ कहता है कि मेरी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है तो अंग्रेज़ कह देता है इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो लेकिन कई बार तुसी देखा होगा एकदम बारिश आती है बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है एक ही बारी, तो कई बार तुसी अपने बुजुर्गों को भी सुनया होगा कि ये तो रब ने खूह ही पुठा करता है, मीन्स रब ने की किया है कि बाल्टी फड़ी हुई है और उपर तो सारी एक बार पाती है, या फिर मान लो कि खूह पानी कट के पहला इदा इदा कर रहा है हूँ की किया है सारा खूह ही उल्टा कर देता है, तो उसनों आप बोल दें इट इज़ डाउन पोर, इट इज़ डाउन पोर। तो डाउन पोर आप कदों बोलते हैं जो किसी कहना हो कि रब ने तो खूह ही पुठा कर दिता है, मीन्स बहुत ज़्यादा बारिश एक ही दम आ गई है। कई बार देखा है तुम्हें देखा होगा अद्धा घंटा जां एक घंटा बारिश आती है लेकिन इन्ना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो कहें कि रब ने तो खूह ही पुठा करता है, लगता सारा पानी अज ही इतने सुट देना है, तो तुसी कहते जे इट इज़ डाउन पोर, इट इज़ डाउन पोर। सो सर नैक्सट है इट इज़ टिपिंग डाउन, टिपिंग डाउन, टिपिंग डाउन मीनस कि कई बार जिन्होंने कहते ना शराट आ गया वो वाली, मीनस एकदम तुसी कितने जा रहे सी एकदम शराटा आ गया, तो तुसी क्या इट इज़ टिपिंग डाउन, की बोलेंगे आप इट इज़ टिपिंग डाउन। सो गाइज कई बार की होंगे कि बारिश स्टार्ट ही होती होंगी है तो आप कह दें इट इज़ स्पिटिंग, की कह दें आप इट इज़ स्पिटिंग, इट इज़ स्पिटिंग, मीनस बारिश हले स्टार्ट ही हो रही है। तो या फिर कई बार देखा होगा बारिश हले हो ही नहीं होंगी उदा ही बदल हुए होंगे ने, तो बदलों को कह दें इट इज़ कलाउडी, कलाउड होंगे ने बदल, तो बन जाता है इट इज़ कलाउडी।
तो एक गल तुसी नोट की होएगी, जो भी मैं मौसम की गल कर रहा इट इज़ लगा रहा नाल तो तुसी भी लगाना है इट इज़ क्लाउडी इट इज़ स्पिटिंग। सो कई बार की होंगे है कि तुसी देखा होगा बारिश आ रही होंगी है, बारिश का मोस्टली अब तुसी देखा ही उपर तो नीचे आती है, लेकिन कई बार इन्नी ज़्यादा हवा तेज़ हनेरी चल रही होंगी है, बारिश इदा आँदी बजाय इधर न आँदी होंगी है, कई बार देखा होगा बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होंगी है नाल ही हनेरी भी चल रही होंगी है, तो तुसी करते जे कहते जे कि यह बारिश मतलब इधर न डिगन की बजाय इधर न आ रही है बहुत तेज़, या फिर कई बार तुसी तुरे जा रहे होंगे जो बारिश आँदी होंगी है वो तुहाडे सामने मूँह पैंदी है तो तुसी कह देंदे जे इट इज़ रेनिंग साइड वेज, इट्स रेनिंग साइड वेज मीनस कि एक साइड तो आ रही है, तो तुसी कहता कि नहीं ये उपरों नहीं बारिश आ रही ये इधरों आ रही है, तो मोस्टली कई बार लगता भी ये कि गौर ना देखोगे जे कई बार नहीं देखा होगा तो बारिश आ रही होंगी है नाल हनेरी भी आ रही होंगी है और बारिश इदा हवा के नाल जा रही होंगी है, तो तुसी कहते जे इट इज़ रेनिंग साइड वेज की कहने आप इट्स रेनिंग साइड वेज। सो सर नैक्सट है सन शार, सन शार बोले इट इज़ सन शार, सन शार की होंगे है जो तुम गल करते जे ना कि जिमें धुप भी निकली होंगी है तो नाल ही बारिश आ रही होंगी है, मोस्टली तुम्हें देखा होगा सौन के महीने में कई बार होंगे ज़्यादातर कि नाल ही बारिश आ रही होंगी थोड़ी बहुती इन्नी ज़्यादा नहीं थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही होंगी है तो उपरों धुप भी निकल आती है, तो तुम कहते जे इट इज़ सन शार, इट इज़ सन शार। सो गाइस हुण तुसी की करना है ये वीडियो चंगी तरह देख के तो यदि प्रैक्टिस कर लेनी है, पहले भी जी वीडियो पाई वो गर्मियों बारे दसिया कि गर्मियों में किवें तुसी बोलना है, तो हुण ये आ रही है बारिश के बारे में कि बारिश जो आ रही होंगी तुसी किवें उहदे बारे गल करनी होंदी है, क्योंकि जिवें तुहानू फील होएगा उवें तुसी दस देना है कि यह बारिश इवें दी हो रही है, तो यदि चंगी तरह तुसी तैयारी कर लेनी है, तो ज़्यादा नहीं है कई बार बोलिया जाता है कि एक वीडियो में इंग्लिश कितना आ जाएगी, इदा नहीं हो सकता, एक्चुअली की है कि बहुत सारे पार्ट बनाए जाते हैं ये वीडियो के, बाकी भी तुम्हें देखिया पिछलियाँ वीडियो भी तुम्हें देखिया होनगियाँ, तो जो तुम सारिया वीडियो रैगुलर देखते रहेंगे जे तो एक टाइम इदा का आ जाता है जो तुम्हें थोड़ा जहा फील होता है कि मैं ये चीज़ें इंग्लिश में आदियां ने, इदा तुम्हें करना जोड़ा भी पार्ट आता है वो तुम्हें देखते जाना इंग्लिश में, तो वधिया तरीके प्रैक्टिस कर लेनी है घर बह के, तो चलो नवी वीडियो में फिर तो मिलते हैं, टिल दैन बाय।